हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल में। मैं विनोद अभिज्ञान। आप यू आर वाचिंग कैटेगरिकली डिफरेंट बायोलॉजी क्लासेस, जिसका उद्देश्य है अंग्रेजी मीडियम के छात्रों को आसान भाषा में समझाना तथा हिंदी मीडियम के छात्रों को बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी से अवगत कराना। स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से एक स्पेशल टर्म जिसको MTP बोलते हैं सार्ट भाषा में, और एक और स्पेशल टर्म जिसको SD बोलते हैं सार्ट भाषा में। इसको समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें। आज का ये वीडियो क्लास 12th है, उसमें जो चैप्टर 4 है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य, उस टॉपिक के अंतर्गत, उस चैप्टर के अंतर्गत मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जिसको MTP बोलते हैं। ये देखने में या सुनने में ये बहुत कठिन लग रहा है, लेकिन इसका जो है प्रयोग जो बार बार इसका जिक्र जो है आप अपने आसपास जरूर सुनते होंगे। इसको पहले हिंदी में क्या कहते हैं ये जान लें। इसको कहते हैं सगर्भता का चिकित्सीय समापन, और इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड एबॉर्शन, या इसको गर्भपात बोलते हैं। ये निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं किसी न किसी मुंह से आप सुने होंगे। और ये चीज है क्या, ये शब्द कहाँ यूज किया जाता है, तो बेसिकली इस चीज को रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ही यूज करते हैं, जनन स्वास्थ्य में ही। और यह जनन संबंधी और जननांगों संबंधित जो है यह टर्म है, और इसका यूज हम कहाँ करते हैं। बेसिकली इस चीज को जो MTP है, इसका यूज हम करते हैं बर्थ कंट्रोल के लिए। यानी एक तरह का यह जो है भ्रूण, जो आप पहले ये समझ लें कि सगर्भता या प्रेगनेंसी क्या है। प्रेगनेंसी हम कहते हैं जब मेल और फीमेल मैथुन के बाद उनके जो गैमीट हैं आपस में फ्यूज होते हैं, और उस फ्यूजन के बाद उसमें जो फीटस बनता है, पहले भ्रूण बनेगा उसके बाद गर्भ बनेगा, फीटस बनेगा, तो माँ के गर्भ में बच्चे का आना ही प्रेगनेंसी कहलाता है, सगर्भता कहलाता है। अब उसका मेडिकल टर्मिनेशन जो प्रेगनेंसी है, उसका मेडिकल टर्मिनेशन, यानी टर्मिनेशन माने किसी का समाप्त हो जाना, समापन करना, खत्म कर देना एकदम से, तो मेडिकली टर्मिनेशन किया जाता है किसका, प्रेगनेंसी का। जो माँ के गर्भ में बच्चा जो है आया है उसको मेडिकली टर्मिनेट किया जाता है ऑपरेशन के द्वारा, जो ट्रेंड और जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनके द्वारा यह जो है प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर दी जाती है। और ये क्यों की जाती है, क्योंकि जो कोई अनवांटेड, कोई जो अवांछित गर्भधारण है, या बलात्कार के बाद जो गर्भवती हो जाती हैं जो चार महिलाएं हैं, उससे बचाने के लिए स्वेच्छा से, और भी कारण हैं, जैसे माता और बच्चे के जन्म से किसी को यदि हानि हो रही हो, चाहे माँ को या बच्चे को, ऐसे में यह मेडिकल ट्रीटमेंट है, मेडिकल टर्मिनेशन होता है ऑपरेशन के थ्रू। जो फीटस है उसको माँ के गर्भ से आउट कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, यानी कि उसका अस्तित्व खत्म कर दिया जाता है, उसको इस संसार में आने से रोक दिया जाता है। गाँव में या शहरों में इस तरह का प्रचलन बहुत है कि जो है अवांछित गर्भधारण को अनट्रेंड लोगों के द्वारा इसका जो है समापन किया जाता है, गर्भपात कराया जाता है, जो कि इलीगल भी है। और जो माँ है और बच्चा है, जो शिशु है माँ के गर्भ में, दोनों के लिए बहुत खतरनाक है। तो आज इस वीडियो में हम आपको इंड्यूस्ड एबॉर्शन या MTP या उसी को कहने मेडिकल टर्मिनेशन, इसी के बारे में हम आपको समझा रहे हैं। तो हमने आपको भी बताया कि जो बर्थ कंट्रोल है या जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है पूरी पृथ्वी पर, बहुत सारे लोग पैदा हो रहे हैं दिन प्रतिदिन, उसमें कमी लाने के लिए, उस जनसंख्या में कमी लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और कभी कभी किसी के पास ज्यादा बच्चे हैं, या वो जो है अपने परिवार को सीमित रखना चाहते हैं, तो ऐसी दशा में जो अवांछित गर्भ है, जो अनवांटेड जो फिटस है, उसको बाहर करा देते हैं, उसको एक्साइज करा देते हैं, वो भी मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा, मेडिकल टर्मिनेशन के द्वारा, इसी को हम MTP बोलते हैं।
और इनके आंकड़ों पर यदि हम ध्यान दें तो यह जो है पूरे विश्व में हर वर्ष 45 से 50 मिलियन एमटीपी होता है, यानी 45 से 50 मिलियन लोगों को इस संसार में आने से रोक दिया जाता है। इसको अगर जो करोड़ में देखें तो यह 4.5 से लेकर 5 करोड़ तक जो है यह संख्या है। और इतने लोग यदि यदि यह न किया जाए या न कराया जाए तो इतने लोग संसार में आकर के और जनसंख्या में और अधिक वृद्धि करेंगे। तो कारण चाहे जो भी हो, लेकिन एमटीपी यह जो है जो बर्थ कंट्रोल है उसके लिए ये चीजें लागू की गई थी। और पूरे विश्व में इसमें वहापोह है कि ये जो है इसको लीगल किया जाए, लीगल रहने दिया जाए या इसको इलीगल घोषित कर दिया जाए, लेकिन भारत ने इसको जो है 1971 में ही इसको कानूनी जामा पहना दिया था, कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी, इसका एक्सेप्टेंस कर लिया था कि ये लीगली जो है वैध है और एमटीपी कराया जाए ताकि बर्थ कंट्रोल हो सके। एक तो बात ये है। दूसरी चीज इसमें जो छिपा हुआ पहलू है वो ये है कि जो एमटीपी है इसका मिसयूज होने लगा। मिसयूज हम आगे समझाएंगे, कुछ चीजें और अभी आप समझ लें कि ये जो संख्या है यह टोटल प्रेगनेंसी जो होती है उसका 1/5 है। ये जो संख्या बैठ रही है टोटल प्रेगनेंसी का 20% कह सकते हैं आप। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसने एमटीपी को लीगलाइज कर दिया है, यानी कि एमटीपी कराया जाए और अवांछित गर्भ से भी बचा जाए और जो लोग पैदा हो रहे हैं तो उसको रोकने का कार्य किया जाए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले से ही इसका डायरेक्शन इसके लिए जो है कानून बना चुकी है। एमटीपी किससे कराना सेफ है? पहली बात तो नीम हकीम से या जो अनट्रेंड लोग हैं जो कोई डिग्री नहीं रखते हैं ऐसे डॉक्टरों से तो कदापि नहीं कराना चाहिए। लेकिन मोस्टली ये चीज देखा जाता है कि यही जो है सबसे ज्यादा एमटीपी करते हैं, सबसे ज्यादा इंड्यूस्ड एबॉर्शन करते हैं। इसका मिसयूज ऐसे होता है कि जो विभिन्न तरीके हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड है, एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है जिसको हम एक अलग वीडियो बना करके ही समझा चुके हैं। तो उस प्रक्रिया के द्वारा एसडी, अभी हमने कहा कि एसडी के बारे में बताएंगे, एसडी माने सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण, और एसडी कराना जो है यह कानूनी जुर्म है। भारत में यह कानूनी जुर्म घोषित किया गया है, इलीगल घोषित किया गया है, आप एसडी नहीं करवा सकते। जहां भी आप अल्ट्रासाउंड की दुकान पर अगर जाएं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लिंग परीक्षण कराना जो है मना है या असंवैधानिक है, यहाँ पर लिंग जांच नहीं होता है। किसी भाषा में ये जो है वहां पे एक बोर्ड टंगा रहता है, लेकिन लिंग के आधार पर यह कदापि नहीं होना चाहिए। और जो एमटीपी का जो सुटेबल टाइम है, यानी एमटीपी आप करा सकते हैं, उसका सुटेबल टाइम है 12 सप्ताह तक, यानी कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, पहली तिमाही कह लें, उस पहली तिमाही में आप यह जांच करके लड़का है या लड़की है इस आधार पर नहीं, यह अपना जो है मूल्यांकन करके कि ये जो गर्भ है इसका पृथ्वी पे आना जरूरी है अथवा नहीं, इसका मूल्यांकन करके उसका एमटीपी करवा देना चाहिए। यदि आप 12 सप्ताह के बाद एमटीपी करवाते हैं तो यह बच्चे के लिए भी खतरनाक है और उसकी माँ के लिए तो बेहद खतरनाक होता है। इसको कानूनन जो जुर्म भारत सरकार द्वारा बताया गया और बनाया गया कि यह जो है गर्भपात यदि अनैच्छिक है तो उसको कम करने के लिए और मातृ मृत्यु दर और विकृतियों की घटनाओं को कम करने के लिए इसका होना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। और एक संशोधन भी आ चुका है इसमें 2017 में, एक संशोधन अधिनियमित किया गया और इसमें आपको यह बताया गया उस अधिनियम में कि कोई पंजीकृत चिकित्सक ही एमटीपी करने के लिए अधिकृत है और कोई भी जो ऐसा व्यक्ति जो एक्सपर्ट नहीं है इन चीजों में वह न करे इसमें। गर्भता की जो चिकित्सीय समापन है उसको दो आधार मान करके कराया जाना जरूरी होता है। आप करा सकते हैं,
पहला तो यह है कि गर्भावस्था की निरंतरता में गर्भवती महिलाओं के जीवन के लिए जोखिम गंभीर शारीरिक चोट और शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य का खतरा हो, से किसी प्रकार का खतरा हो तो ऐसे में करा सकते हैं आप जो है एमटीपी। दूसरा, यदि शारीरिक और मानसिक अपसामान्यता यदि मां में है तो बच्चे में भी वही अब सामान्यता न आ जाए, विकलांगता न आ जाए, इसके लिए आप समापन करा सकते हैं, अलाउड है ये सरकार के द्वारा। लेकिन आप जो है इलीगल तरीके से यह लड़का है कि लड़की है इस बात का अगर जो आप आधार बना करके और चिकित्सीय समापन कराते हैं तो यह कानूनन जुर्म है, इसमें जेल भी हो सकती है और सजा भी हो सकती है। कि जो एमनियोसेंट्रेसिस है इसलिए कराया जाता है कि बच्चे में कोई अबनॉर्मेलिटी ना हो, उसको पोषक पदार्थ मिल रहे हैं नहीं, उसकी जो संरचना है अंदर की डीएनए की वह अच्छे लक्षण वाली है कि नहीं, जो जेनेटिक उसमें जो ऑर्डर्स हैं वो ठीक है कि नहीं, ये पता लगाए जाने के लिए। और कोई यदि बीमारी यदि प्रकट होने वाली हो तो पूर्व में ही इसका विश्लेषण करके, इसका अध्ययन करके, उसको उपयुक्त या उचित दवाएं दे करके उन लक्षणों को दूर करने का एक साधन बनाया गया एमनियोसेंट्रेसिस को। लेकिन इसमें लोगों ने लिंग परीक्षण के लिए किया, लड़का है माँ के गर्भ में कि लड़की है, इसमें जब इसका उपयोग करने लगे तो इस पर बहुत कड़ा प्रतिबंध लगाया गया। इसी प्रक्रिया के द्वारा एक घटना हम आपको बता दें, चाइना में इसी टेक्निक का प्रयोग करके और वहां पर यह कोशिश होने लगी कि बच्चे के अंदर अच्छे अच्छे प्रकार के जीन जो है उसके अंदर जोड़ दिए जाए, ताकि जो बच्चा हो उसके जो बच्चा पैदा हो उसमें किसी प्रकार का दोष उत्पन्न न हो। यानी एक तरह से वो सुपरमैन बनाने की कवायद कर रहे थे, सुपरमैन बनाने की कोशिश किए, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि ऐसा नहीं कर सकते, ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते उसके जेनेटिकल सीक्वेंस में। तो यह एक प्रयास हुआ था, आप अगर जो पीछे के जनरल्स पढ़ेंगे आप जो है बहुत सारे लेख इस पर हैं तो आप पाएंगे कि चाइना में इसकी कोशिश की गई थी और जिसको विश्व के तमाम देशों ने इसका विरोध किया और उसको प्रतिबंधित करना पड़ा। अगर जो कोई कंट्रासेप्टिव मेथड अपनाया है किसी दंपति ने तो वह जो है फेल हो जाए, ऐसी दशा में भी जो है प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसको उसको तो एमटीपी करवाना अनिवार्य हो जाता है। तो लोगों को यह काउंसलिंग करानी चाहिए, लोगों की काउंसलिंग इस बात की होनी चाहिए कि आप असुरक्षित यौन संबंध न बनाएं, अनावश्यक जो प्रेगनेंसी है उससे आप बचें, अनावश्यक जो है गर्भधारण करने से बचें, और यह जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, लोगों को समझाया जाना चाहिए। काउंसलिंग का मतलब कि उनको ढंग से समझाया जाना चाहिए कि आप कंट्रासेप्टिव जो मेथड्स हैं, जो गर्भ निरोधक उपाय हैं, उनका सही प्रकार से प्रयोग करें, गर्भ धारण जब जरूरत हो तभी करें और अनावश्यक गर्भ धारण से बचें, और यदि गर्भ धारण हो ही जाता है तो उसको जो है एमटीपी करा करके, उसका जो है अबॉर्शन करा करके, उसका गर्भपात करा करके, उस जो जो आने वाला जो शिशु है उसको आने से रोकना जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रभावी और कारगर उपाय होगा और इसमें हम सबको आगे आना होगा। स्टूडेंट्स, यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में और कमेंट भी करें इस वीडियो पर। कोई यदि क्वेश्चन हो इससे जुड़ा हुआ तो उसको कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल को सब्सक्राइब करें और उसका बेल आइकन जो होता है उसको भी प्रेस करें ताकि जो आने वाले अपडेट्स हैं, जो आने वाले वीडियोस हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू। जय हिंद।